कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली से ये पंक्तियाँ ली गई थी, और हम लोग पढ़ रहे हैं अरोभाग 1, कक्षा 11वीं की पुस्तक, और उसी में आए हुए काव्य खंड को हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की लिखी हुई कविता को अभी हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है घर की याद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, सभी वीडियोस को देखें, ताकि आपको एक बार जानकारी हो कि इस कविता में है क्या। तो चलिए जानते हैं, और सबसे पहले जानते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की जो जीवन गाथा है उसको संक्षिप्त में जानेंगे। जन्म हुआ इनका सन 1913 में, और टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, इत्यादि। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मिला हुआ है इनको, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत हैं महानुभाव। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का मृत्यु जो है सन 1985 में हो गई। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवारों का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियात्मक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। घर की याद को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये है घर की याद, बहुत सुंदर कविता है। जिस तरह से आपने गीत सुना होगा संदेश आते हैं, उसी तरह से है ये कुछ घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में चार भाई, मायके में बहिन आई, बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहने, बुझा भाई प्यार बहने। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे ना हिचकें, शेर के आगे ना बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल अर जाता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। और चार भाई चार बहने, बुझा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे,
पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। पांचवा मैं हूं अभागा। पांचवा मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लिखी है। पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसें, पांचवे को वे ना तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे ये ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शौक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, भजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख टटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। हाय रे ऐसा ना कहना, है कि जो वैसा ना कहना, कहना देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। तो ये कविता थी जिसे हमने पढ़ लिया, सुमित्रानंदन पंची के द्वारा लिखी हुई कविता घर की याद, नज़र में तैर रहा आंखों में तैर रहा, पूरा है जो वह घर जो परिपूर्ण है यानी खुशियों से भरापूर है, परिताप कहते हैं अत्यधिक दुख को और नवनीत कहते हैं मक्खन को, हेटे हो गया गौनहीन और लीक हो गया परंपरा। इस पाठ को यही तक था ये पाठ और हमने पढ़ लिया है, और कैसा लगा पाठ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें बाकी तक भी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाकी वाली सब वीडियोस भी एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।